हाँ हाँ बोलिए, बताइए। हाँ सर, सर आपके वजह से मेरा डाटा रिमूव हो गया। अब कोई कॉल मैसेज ये सब नहीं आ रहा है सर। हाँ, हम आपका डाटा हम रिमूव कराए थे। वो वेल्थ स्नैप एप्लीकेशन था, तो हाँ सर, हाँ सर, हाँ, तो उसी टाइम में हमने रिमूव कराया था। तो उस टाइम में मान लीजिए कॉल आता था, तो अब कॉल मैसेज ये सारा चीज रुक गया है ना। हाँ सर, अब कोई कॉल नहीं आ रहा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके वजह से मतलब कि आज हम बच चुके हैं। ये लोग, ये जो फ्रॉड लोन है, ये जो भी है सर, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एक क्रिएट कर चीज, रहा था। हाँ एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि हाँ बोलिए। आप फ्रॉड एप्लीकेशन से लूटना चाहते हैं तो फ्रॉड एप्लीकेशन से आप लूट सकते हैं। अभी फिलहाल में स्कोर एलाइजर जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर चल रहा है, अच्छा, इस फ्रॉड एप्लीकेशन से आप पैसा निकाल सकते हैं। आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल नहीं सकते नहीं हैं। नहीं देखिए, फिर से फंस जाएंगे, फिर दिक्कत होगा, फिर से लोग बहुत ज्यादा कॉल, ये लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट, मोबाइल हैक कर लेता है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं तो फालतू हो देखिए, जाता है, तो आपको बच देखिए पैसा निकालने के लिए आपको ये चीज करना है कि कोई दूसरा मोबाइल लेना है, उसमें फेक कॉन्टेक्ट लिस्ट बना लीजिए, गैलरी में कुछ फोटो अच्छा रख लीजिए। अपना फोटो मत रखिए, परिवार वगैरह का फोटो मत रखिए, कुछ ऐसा ऐसा फोटो रख अच्छा लीजिए। उसके बाद ही आप ट्राई कीजिए तो आपको लोन मिल जाएगा। अभी रिसेंटली है तो लोन आपको मिल जाएगा, दे देगा लेकिन लोग, दे देगा हाँ डाटा, हाँ आपको लोन दे देगा सब। लेकिन यही, फिर डाटा रिमूव हो जाएगा ना, आपका डाटा रिमूव 100% हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कि फिर ये नहीं कि फिर उसी के तरह जैसे वे ये सब आ रहा था कॉल, ये लोग बहुत ज्यादा गाली दे रहा था नहीं फोटो को तो डिलीट नहीं करके। तो वो चीज हमने डाटा रिमूव करा दिया, तो उसके बाद कॉल मैसेज आया, नहीं ना आया नहीं ना। नहीं 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 सर, नहीं आया, उसके नहीं बाद इसी कॉल वजह से मैसेज आया था। नहीं आया, वही था कि मतलब कि जो मेन नंबर था, मेन नंबर हाँ पर कभी कभी कॉल आ जाता था, 2 दिन 1 दिन तक कॉल आता रहता था, हाँ लेकिन किसी भी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल नहीं गया। आपने अप टू नहीं डेट सर, दिया अब था। नहीं, अब कोई भी सर, अब मैसेज से अब सारा कुछ रुक गया है सर। वही आपने मतलब कि मैसेज किया था, तो सोचे कि हम कॉल लगा लेते हैं व्हाट्सएप पर और जो भी था जानकारी आपसे मांग नहीं लेते सर, हैं क्या है। नहीं सर, देख रहे हैं आजकल आपका वीडियो डेली देखते हैं, लाइक भी करते हैं, देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मतलब कमेंट में ये भी कर रहे हैं कि हम भी फंस गए। ये सर उन लोग का भी मतलब कि डाटा रिमूव करवा दीजिएगा, बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, ये बहुत ये स्कैम चल रहा है, फ्रॉड लोन ये सब बहुत ज्यादा लूट रहा है लोग। हाँ, ये तो है, पाकिस्तानी एप्लीकेशन है, स्कैम तो चल रहा है, फ्रॉड एप्लीकेशन पाकिस्तानी है सब सारा चीज। यदि कोई भी होगा, मान लीजिए दोस्त दोस्त होगा, चाहे एनबीएफसी एप्लीकेशन का भी डाटा रिमूव कराना होगा, अच्छा लोन सेटलमेंट भी कराना होगा, चाहे बैंक का लोन सेटलमेंट कराना होगा, चाहे लोन माफी कराना होगा, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, जो भी है अच्छा आप बताइएगा तो ये 100% सब काम मतलब कि हो करते हैं, जाएगा, ये कोई भी सब टेंशन। काम करते हैं क्या, हाँ ये भी हम सारा चीज काम करते हैं, ये भी काम करते हैं फ्रॉड मतलब एप्लीकेशन। कि अब क्या है ना कि कितना टाइम अप्रैल लगेगा इसका मतलब कि होने में, क्या चीज मतलब कि अगर हम कराते हैं तो कितना टाइम लगेगा इसी के तरह जैसे 1 घंटा 2 घंटा लगा। ना, इसके तरह 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा ना लगेगा। वो लोन माफी में तो टाइम लगते हैं, 1 दिन कम से कम समय देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना होगा। बड़ा अच्छा बड़ा अमाउंट का है तो 1 दिन कम ठीक, से कम समय देना। ये तो डाटा रिमूवल का काम है, तो डाटा रिमूवल तो 1 घंटे में हो जाता है। उनके वेबसाइट हैक कर सारा सर्वर निकाल दिए, तब पर कॉल आना सारा चीज बंद हो गया। अभी भी वही चीज करते हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों का हम रिमूव करवाए हैं, ये चीज करवाते हैं अभी अच्छा भी रोज, नहीं तो 50 मेरा60 तो लोगों का। अच्छा, तो देखते हैं हमको, ठीक है देखते हैं, अगर पैसा मिलता है आता है तो कोई खराब नहीं है, फिर आप डाटा रिमूव कर दीजिएगा, ये नहीं कि फिर प्रॉब्लम में ना हो जाए, ना तब ना ऐसे कोई तो अब कोई प्रॉब्लम, कॉल मैसेज ये सब नहीं आ रहा है। अब आप ही देखिए, आप ही प्रॉब्लम में भी है, आपका डाटा हम रिमूव करा दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन वाली यहाँ पर बात नहीं है। यदि नहीं डाटा रिमूव होता तो वो चीज प्रॉब्लम वाला बात होती, अब क्या हाँ प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा इसमें। प्रॉब्लम कर रहा था, कॉल फोटो टो एडिट करके, आप समझ ही रहे हैं कैसा कैसे एडिट करके, फिर धमकी दे रहा था, पैसा मांग रहा था, फिर देने के बाद भी फिर मांग रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है, फिर उसके बाद ये तब आप आपका वीडियो देखें, तब जाकर हमको लगा कि कुछ हो सकता है, तो ही आपसे कराएं, तो अभी आप देख सकते हैं रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, ठीक है, अगर पैसा मिल रहा है तो कोई खराब नहीं है, हम एक ट्राई करते हैं, भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए ठीक जो है दे रहे हैं। हम भेज देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चाहे आप सर्च कर लीजिए प्ले स्टोर पर, सर्च कर लीजिए स्कोर एनालाइजर जो एप्लीकेशन का नाम है, सर्च कर लीजिए, अभी चल रहा है। और आप अच्छा लूटने का काम कीजिए, उससे पैसा निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ठीक है, खोया तब हुआ ट्राई पैसा करते था, हैं। रिपेमेंट आपने भी बहुत कर 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 थक गए थे, अपना पैसा निकाल लीजिए, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली ये बात बहुत नहीं है। ज्यादा मतलब कि बहुत हाँ ज्यादा ये लूट लिया, हाँ पैसा चलिए तो, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है तब, सर, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली ठीक है बात नहीं। सर, ठीक थैंक है यू सर, ठीक है थैंक ठीक यू है सर। ठीक है ठीक है ठीक ठीक तो चलिए दोस्तों, बात विचार यहाँ पर हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि अपना भी डाटा रिमूव कराना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, 100% आपका डाटा रिमूव हो जाएगा। कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसे हैं तो आपका 100% डाटा रिमूव हो जाएगा।
यहाँ पर सारा चीज आप लोग सुन लिए कि डाटा रिमूव यहाँ पर होता है भाई, डाटा रिमूव इनका हो गया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जितना डरिएगा उतना। रिपेमेंट करना कोई सलूशन नहीं है, रिपेमेंट सोच रहे कर देंगे तो भाई बच जाएंगे, रिपेमेंट करना कोई सलूशन है, रिपेमेंट कर दीजिएगा तो उनके ट्रैप में और फंसिएगा, समझिए एक ट्रैप है, रिपेमेंट करना एक ट्रैप है, करते जाइए, वो लोग थकेगा नहीं, आपसे बार बार पैसा मांगेगा, बार बार पैसा मांगेगा, रिपेमेंट करना कोई सलूशन है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो, मैंने बोला था कि डाटा, हाँ हाँ भाई बोलिए, रिमूव करने के लिए बोले थे ना रात में। हाँ 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 भाई, हाँ 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 हाँ, हो गया है वो, समझिए कि भाई आपका काम हो गया है, समझ गया है। सबसे पहले गैलरी को रिमूव किया जाता है, समझ गया ना, आपने आपने बोला था कि रिपेमेंट करने के लिए, देखिए रिपेमेंट करना कोई सलूशन नहीं है, ठीक है, आपको बता देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, हमने आपकी वीडियो देखने से पहले कल कर दिया था उनको। अच्छा, तो उन लोगों का फिर डिमांड आया कि आपको फिर रिपे करना है। तो यही सब बोल रहे थे कि आपके फोटो वोटो वायरल करेंगे। ना ना भाई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, समझ गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, सारा चीज मतलब ये हो गया, समझ गया, आपको टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, उनकी मैसेज को आपको सीन नहीं करना, ठीक है। क्या चीज, ये लोग कितने दिन तक परेशान करते हैं? ये जस्ट आपका खत्म हो जाएगा, टेंशन मत दीजिए, हमारे अंडर आपका डाटा है ना, आपका खत्म हो जाएगा, टेंशन मत दीजिए। आप आज से प्रोसेस देखिए, हुआ जानते हैं क्या हुआ है, आपने कल ही गलती कर दिया रिपेमेंट कर कर। अच्छा हाँ, देखिए रिपेमेंट करने पर और ज्यादा ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, समझ गए, रिपेमेंट करने पर और ज्यादा ब्लैकमेल ये लोग कर रहे हैं, ये चीज है। रिपेमेंट करने के बाद ये लोग को पता चल जा रहा है ना कि ये डर गए हैं, डर के मारे पैसा दे, अब जो लोग डर रहा है वही ना पैसा दे रहा है कि नहीं, जो लोग नहीं डरेगा तो क्यों पैसा देगा, तो यही चीज है। रिपेमेंट करने के बाद और ज्यादा, तो यही काम गड़बड़ हो गया, रिपेमेंट किया ना यही काम खराब हो गया आपका। कब रिपेमेंट किया, वीडियो देखने से पहले कि वीडियो देख लिया तब रिपेमेंट किया? हमने कल ही किया आपका वीडियो, तो हमने रात में देखा है। कल कब किए थे? शाम को, यही टाइम कल किया है। अच्छा, यही शाम को, मतलब उनको कितना रिपेमेंट कर दिए थे? 92 करके जब फोन आया था, पाकिस्तान का कोई नंबर दिखा रहा था व्हाट्सएप पे, तो लोग बदतमीजी कर रहे थे कि आपका फोन नंबर है, पूरा लिस्ट भेजे थे हमको, जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट थे, तो वही बोल रहे थे कि हम आपका पूरा यहाँ वहाँ भेजेंगे फोटो बना के एडिट करके। तो बोले हमको एक काम करिए, 3,000 यहीं पे क्लोज कर देंगे आपका लोन। तो हमने किया, उसके बाद उन लोग ने 10-12 और कॉल किया। उसके बाद हमने उनको 3,000 रुपया एक UPI ID पे मार दिया हुआ है। उसके बाद से फिर उनका डिमांड आ गया अलग अलग नंबर से, तो आपको फिर करना है रिपेमेंट। तो बिल्कुल जो वीडियो में बोलते हैं वो सत्य हुआ कि नहीं हुआ, कि रिपेमेंट करने के बाद पीछा नहीं छोड़ते हैं, और ज्यादा ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है लोग। हाँ हाँ, ये चीज है, समझ गए, रिपेमेंट करना कोई सोल्यूशन ही नहीं है जी। तो कहां से मतलब कि फंस गए, कैसे मतलब कि फंस गए इनके चंगुल में आप? अब ये जैसा इंस्टाग्राम पे ऐसे हम रील्स वगैरह देख रहे थे, इनका एड आ गया, स्कोर एनालाइजर करके जो ऐप है, हमको लगा सिविल ऐप, सिविल स्कोर चेक करने वाला है। हमने अपने पैन कार्ड की डिटेल डाल दी उसमें, वो प्रोसेसिंग में चला गया। फिर 4-5 घंटे बाद देख रहे तो अकाउंट में 3,000 रुपया आ गया, किसी रमेश नाम से UPI ID हमारे अकाउंट में आया है। अब हम ऐप खोल रहे हैं जाके, तो उधर दिखा रहे हैं कि आपको 5,000 रुपया रिपेमेंट करना है 6 दिन बाद, 7 दिन बाद। उसी में परेशान हो गए। तो फिर कल उनका फोन आया कि ऐसा ऐसा है, नहीं पे करोगे ड्यू जा रहा है, तो हम आपका फोटो इधर उधर भेजेंगे, फैमिली को भेजेंगे, कॉन्टेक्ट पे भेजेंगे। सब उससे हम डाल दिए उनको 3,000। तो फिर उनका अलग अलग नंबर से डिमांड आने लगा कि हम आपका ये न्यू फोटो ना ये फोटो एडिट करके हम आपका आपके कॉन्टेक्ट में ऐसा ग्रुप बना के डाल देंगे। तो हमने इग्नोर किया है, फिर अभी तो कंटिन्यू उनका मैसेज आ ही रहा है। परेशान वो कर ही रहे हैं वैसा। रिपेमेंट देखिए, रिपेमेंट करना कोई सलूशन नहीं है, ठीक है, रिपेमेंट करना कोई सलूशन नहीं है। रिपेमेंट करने के बाद देखिए रहे कि आपके साथ क्या क्या मतलब कि हस्र हो रहा है कि नहीं। जी जी, इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं कि रिपेमेंट मत कीजिए, नहीं तो कितना लोग रिपेमेंट कर देते हैं, बोलते हैं कि रिपेमेंट कर देंगे उसके बाद ये करेंगे,
तो रिपेमेंट करने पर और ज्यादा ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अच्छा अच्छा ये चीज है, तो इसीलिए मतलब ये चीज हो रहा है, समझ गए, इसीलिए मतलब कि थोड़ा ये हो रहा है। रिपेमेंट कर दिए थे ना, तो उसको लग रहा है कि ना तो आज भी रिपेमेंट आप करेंगे, आज भी पैसा देंगे। अच्छा अच्छा हाँ, ये लोग प्रॉपर पाकिस्तानी है सारा चीज है, समझ गए। हाँ, आवाज से उनका लग रहा था। हाँ 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 हाँ, तो ये सब बात वो लोग कर रहे थे, तो हमने अपने बैंक में भी कम्प्लेन कर दिया है और गवर्नमेंट की साइड पे भी जाके किया है, तो वो लोग कह रहे थे कि उनका अमाउंट जो आपने किया है रिपेमेंट वो होल्ड कर देंगे HDFC बैंक से, फिर वो लोग बात करेंगे आगे का प्रोसेस। ये सब बात हो रहा था, लेकिन वो लोग से जान कैसे छुड़ाया जाएगा भैया। उससे देखिए यही है ना कि अभी अभी के टाइम में जितना हो सके अभी इग्नोर कीजिए, अभी आपका हाँ काम हो रहा है, समझ गए, चेक को खो रहा है, यही चीज है। हाँ, आप उनको रिप्लाई करते हुए बैठिएगा, आप मतलब कि मैसेज सीन करते हुए बैठिएगा, तो और ज्यादा ये लोग हरासमेंट करेगा, समझ गए, और ज्यादा ये लोग स्ट्रीम लेवल पर ये लोग हरासमेंट करना बैठेगा। हाँ, ये चीज ऐसे ही ये लोग वर्क करता है, फ्रॉड एप्लीकेशन ऐसे वर्क करता है, समझ गए। हाँ, हमने देखा उसका रेटिंग, हमने देख में नहीं जाके देखा, 4.6 का रेटिंग था, हमको लगा रियल ऐप होगा। वहाँ ये कहीं लिखा नहीं था ये लोन ऐप है। तो हम उस पर जाते ही नहीं, हमको लगा सिविल स्कोर चेक करने वाला है, स्कोर एनालाइजर। हाँ, तो नाम भी वैसा ही है ना, नाम भी वैसा ही है, स्कोर एनालाइजर। तो अभी भी देखिएगा तो प्ले स्टोर पर है, ये 3 सप्ताह से प्ले स्टोर पर ये लोग मौजूद है, आज समझिए कि 1 महीना करीबन हो गया। हाँ, प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन रन करते हुए। अच्छा अच्छा हाँ, तो नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, हम लोग आपका आज भी मतलब करा देंगे, टेंशन मत लीजिए, समझ गए। ठीक है भैया। हाँ, अभी अभी ये चीज कर सकते हैं, इसी नंबर पर कर रहा है वो लोग, कोई और नंबर है? तो कुछ बात करते हुए रिकॉर्डिंग भी रखे कि नहीं, रिकॉर्डिंग उनसे नहीं, गूगल इस पे व्हाट्सएप पे नहीं हो रहा है ना रिकॉर्डिंग। ऑप्शन ही नहीं देता है, जैसे कॉलिंग में हो जाता है। नॉर्मल कॉल कर रहा है सब कि नहीं? नॉर्मल कॉल नहीं, नहीं नॉर्मल कॉल तो हमको एक भी नहीं आया है, यही व्हाट्सएप पे फोटो वगैरह भेज रहे हैं और व्हाट्सएप पे ही कॉल कर रहे हैं। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जितना हो सके उतना आप इग्नोर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी इग्नोर कीजिए, आपका काम हो जाएगा, समझ गए, आपका डाटा मेरे हमारे अंदर है। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल भी आपको डरने वाली कोई दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, लेकिन रिपेमेंट करने मत बैठ जाइएगा। नहीं, हमने उसको डिलीट मार दिया है, परमिशन दिस अलाउ करके उसको हमने डिलीट मार दिया है, मोबाइल में नहीं रखा हुआ है। ठीक है आप, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, चलिए ठीक है भैया, हो जाएगा तो हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा ना आप, मैसेज। हाँ, आपको हम मैसेज कर देंगे, ठीक है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है भैया, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों का मतलब कि मेरे पास कॉल आता है, मैसेज आता है, तो सबको यहाँ पर ये करना होता है। यदि आप लोग भी इनसे रिमूव कराना चाहते हैं तो मेरे पास आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम टेक्निकल जी पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आइए, इंस्टाग्राम पर बात विचार करते हैं, जो भी जानकारी है आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। तो रिपेमेंट करना कोई सोल्यूशन नहीं है दोस्त, आपको बता देना चाहता हूँ, रिपेमेंट कीजिएगा तो और इसके ट्रैप में फंसते जाइएगा, और इसके ट्रैप में फंसते जाइएगा, तो रिपेमेंट करना कोई सोल्यूशन नहीं है, रिपेमेंट मत कीजिए। आपको लग रहा है कि रिपेमेंट कर बैठ जाएंगे तो वो लोग और ज्यादा आपको एक्सट्रीम लेवल पर ब्लैकमेल करेगा, समझ जाएगा कि आप डर चुके हैं, डर के मारे पैसा दे दिए हैं, तो और ज्यादा आपको ब्लैकमेल करना चालू हो जाएगा सब। तो रिपेमेंट करना कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको बता देना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, बता देना चाहता हूँ कि वो लोग पहले स्क्रीन शॉट मांगता है तभी वो लोग काम चालू करता है, समझ गए, ये चीज है। पहले वो लोग स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट मांगता है तभी वो लोग काम चालू करता है। माने वो लोग जो आप जिसे करवाते हैं ना? हाँ हाँ, जिसे करवाते हैं उनसे। हाँ, तो सर मैं
कल शाम को करवाऊंगा भाई, बोल रहा हूँ सर अभी मेरे पास पूरे अमाउंट नहीं है, 1-1.5 हज़ार व्यवस्था करेंगे, कल शाम में करवा देंगे। तो कैसे इसके चक्कर में आप फंस गए, इसके चक्कर में कैसे आप फंस गए? फंस गए फ्लो फ्लो में हो गया सर, मेरा ऑलरेडी पहले से लोन था। मतलब कि आप पहले ही से इस एप्लीकेशन पर लोन लेकर रखे थे? इससे नहीं सर, सब आरबीआई रजिस्टर से। अच्छा 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 तो फिर हमको सर शेयर मार्केट का था लॉस हो गया वो सब सर। तो अभी किस एप्लीकेशन पर करवाने के लिए बोल रहे हैं? अभी सर हुगो में और वेल्थ स्नैप में। हाँ ये फ्रॉड, ये हाँ फ्रॉड एप्लीकेशन का ना? हाँ यही दोनों का, वो सब तो लीगल हुआ तो मैं बाद में पे कर दूंगा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। वो तो सर वो तो लीगल, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। ये है कि इसमें सर ऐसे आपसे बिना पूछे सर एक पेमेंट किया तो फिर वो भेज दिया सर। तो देखिए यही होता है कि रिपेमेंट, कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट करना कोई सोल्यूशन नहीं है। रिपेमेंट कर दीजिएगा तो और ज्यादा ब्लैकमेल करने लगता है। मैं तो आपका बात को समझ रहा था सर, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया इमोशन को, सोचा कि एक बार भेज दूंगा फिर कल से करवा। बताइए बात हुआ था ना आपसे, बात हुआ था ना आपसे? 2-3 बार आप किए हैं सर, मैंने कि मैं दिमाग मतलब कंफ्यूजिंग जोन में पूरा जा रहा है। तो देखिए उस टाइम में भी हम, उस टाइम में भी आपको हम बोले थे कि रिपेमेंट मत कीजिएगा, बोले थे कि नहीं बोले थे आप बताइए? तो सर उससे तो दिक्कत नहीं है ना, उससे क्या दिक्कत है, यही दिक्कत है कि आपका पैसा लॉस गया, उधर भी पैसा जाएगा, हमको भी पैसा दीजिएगा तो पैसा आप ही का लगा। आप पे तो फेथ है सर, हम आपके पहले ही आप पे विश्वास है। कल मेरा ऐसे भी कल बट तक टाइम है, 23 से लोग करेगा कॉलिंग, तो इसलिए कल हम आपसे करवा लेंगे। कितना पैसा रिपेमेंट कर दिया, कितना पैसा दिए हैं आप, कब दिए, आज की कल? आज ही दिए थे दोपहर में सर, आपसे बात की। अच्छा हाँ हाँ, कितना दे दिए थे आज? 7,000 दे दिए। बताइए 7,000 वो फिर मांगेगा आपसे, फिर वो पैसा मांगेगा? वो तो हम जान रहे कि आप ही बजा सकते हैं सर, हमको ये कि आपसे। देखिए मेरे पास, देखिए मेरे पास जानते हैं, मेरे पास लोग जमीन तक बेच दिए हैं, समझ गए, ऐसे ऐसे लोगों से बात हुआ है, पैसा देते देते जमीन बेच दिया है सब, 1-1 कट्ठा 2-2 कट्ठा। अब बताइए कि कितना पैसा दिया होगा, भाव आपको पता है ना जमीन का ना? जैसे कि सर वो तो हम समझ रहे सर, जैसे कि आप जैसे मेरे टाइप का होगा वो, जैसे पहला बार में नहीं टूटा, फिर दूसरा बार नहीं टूटा, तीसरा बार नहीं टूटा, तो वो बार बार आदत होते गया उसको, फिर देने का भी आदत होते गया। बिल्कुल यही है। और वो चेन, हाँ सिस्टम चलते जा रहा, वो चैन सिस्टम वो अंबानी को भी भिखारी बना देगा, रोडपति बना देगा। ये ऐसा चैन सिस्टम है कि अंबानी को भी वो भिखारी बनाकर खुद ही अंबानी का गद्दी पर बैठ जाएगा, समझ गए? और सर और एक काम कर लिया, अकाउंट भी बंद करवा लिया था अभी बैंक जाकर। कौन सा बैंक अकाउंट था आपका? कोटक का। कोटक बैंक अकाउंट बंद करा लिए परमानेंटली? फिर खुलवा लेंगे दूसरा 10 दिन के बाद। अच्छा, लेकिन एक बार बंद हो जाता है तो दोबारा अकाउंट नहीं खुलता है वो उस बैंक में? खुल जाएगा, पूछे थे सर। खुल जाएगा, खुल देगा ना वो? हाँ बोला कि खुल देंगे, लेकिन SBI SBI में ये सब नहीं है ये सब। हाँ वो प्राइवेट है ना सर, बैंक ऑफ इंडिया का इसलिए नहीं लेता था, बैंक ऑफ इंडिया का डाल लेना तो कोई भी लोन एप्लीकेबल नहीं करता। बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा मतलब गवर्नमेंट टाइप का है तो। देखिए कोई भी, देखिए कोई भी गवर्नमेंट बैंक, SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, ये सब जितना भी बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, तो एक बार अकाउंट बंद हो जाएगा ना तो दोबारा नहीं खुलेगा। हाँ सर, वो जो उस जगह से नहीं खुलता, ये बात सही बोले, वो बैंक से नहीं खुलेगा। प्राइवेट है तो खुल जाएगा, प्राइवेट तो कोई भी काम पैसे पर होता है। हम बिहार से हैं। आप बिहार से हैं? हाँ बिहार से। आप बिहार में कहाँ से आप हैं? पटना से। पटना से, हम बिहार में आरा से बोल रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं होगा, 40 किलोमीटर होगा। तो अभी आरा में रहते कि दिल्ली में रहते? हम आरे में रहते हैं, आरे से हम बात कर रहे हैं। नहीं तो सर बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं, अप्रैल महीने से काम चालू किए हैं, पहले तो ये सब नहीं करते थे, समझ गए? अप्रैल से इसका तोड़ निकाल दिए ना सर? हाँ हाँ, अप्रैल से हम इसका तोड़ निकाल दिए हैं। नहीं तो पहले आदमी स्ट्रगल करते रह जाता, उसमें तो एक ही उपाय सब बोलता था कि मोबाइल बंद कर दो 15 दिन, मोबाइल बंद कर दो, 1 महीना कॉल मैसेज इग्नोर करो, 1 महीना में कितना लोग लुटा लुटा कर बैठ जाते थे। मैंने और वो भी 1 महीना का आदमी स्ट्रगल करेगा इतना, ये करेगा
सही बात तो है। सर कल मैं कल सुनिश्चित हूँ, कल आप सर शाम में 5-6 बजे भेज दूंगा तो काम हो जाएगा ना? आराम से काम हो जाएगा, जब आप बोलिएगा तब काम हो जाएगा, अभी बोलिएगा अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस बस पैसे का मैटर रहता है ना, पैसा वो लोग मांगता रहता है। सर आपको भी आपका काम है तो उसमें दूसरा से हेल्प लेना पड़ता है, तो चार्जेस होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम आपकी भी इस प्रॉब्लम समझ रहे हैं सर। और एक एप्लीकेशन से रहता तो आप यूट्यूब में भी कई बार बोले हैं कि 2400 लेते हैं, तो मेरा तो 2 एप्लीकेशन है तो हम समझ रहे वही ये है कि उसके बाद तो सर कोई कॉल मतलब ऐसे भी तो अभी नहीं आया, मतलब उसके बाद इन फ्यूचर तो कोई परेशानी नहीं होगा? ना ना कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत हो नहीं होगी। नहीं मैंने हम सर फर्स्ट बार फंसे थे, हमेशा तो RBI रजिस्टर्ड में ही बहुत सारे दिन से था तो उसमें आदत बन गया था। इसमें गलती से फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट आया, क्लिक कर दिए, लॉग इन कर दिए ना, वो माइंड काम नहीं किया था, प्रेशर में ज्यादा थे, क्लिक कर दिए हैं, कुछ नहीं भेजा, अंडर रिव्यू लिख दिया। और गूगल का भेजे हैं एक जानते हैं, तो गूगल का क्या है ना कि वो दोबारा नहीं भेजा। और हेल्थ वेल्थ स्नैप वाला ज्यादा हमको चीटर लग रहा है, वो बार बार भेज रहा, वो 3.5-5 कर रहा। हुगो में हम मैसेज भी कर दिए कि आई हैव ऑलरेडी टेकन 20 apps लोन्स, आई एम नॉट एनेबल टू पे, तो अगर इस बार दीजिएगा तो उसके बाद हुगो से नहीं आया। अब वो साला उसमें मैसेज करने का है नहीं, तुरंत भेज दिया जैसे पे किया वैसे भी। नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका काम हो जाएगा, आपको डरने वाली कोई बात नहीं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। कल आप कीजिएगा ना तो कल आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल सर मैं 5-6 बजे शुरू कर दूंगा। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हाँ भाई बोलिए, बताइए। हेलो, हाँ हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। अभी हम आपको दिए थे सारा चीज। हाँ, आपका सारा चीज मतलब कि हो गया है, सब रिमूव हो गया, उसका टेंशन मत लीजिए। रिमूव हो गया तो अभी फोन आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें पता चल जाता है। हाँ, कॉल आता है तो पता चल जाता है। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट पर, अभी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर नहीं गया होगा ना? कॉन्टेक्ट लिस्ट आपका रिमूव हो गया है। गैलरी भी रिमूव हो गया है। आपका नंबर अभी बाकी, अभी आपका नंबर बाकी, अभी चेक होना बाकी है। ठीक है, अभी दोबारा चेक होगा, दोबारा चेक होगा। वो जो हमको मैसेज कीजिएगा ना, वो डिटेल का सारा। हेलो। हाँ भाई। हाँ हाँ, डिटेल वाला मैसेज कीजिएगा ना। हाँ हाँ, आपको करेंगे। ठीक है। ठीक। 1 घंटा लगेगा क्या सर? भैया कितना दिन लग जाएगा भैया? चेक होता है जैसे ही आपको हम बताते हैं, चेक वो लोग कर लेता है ना, वैसे ही आपको बताते हैं। ठीक है ठीक। मतलब मेरा चला गया वहाँ पर है ना, गैलरी वाली सब रिमूव, गैलरी का भी फिक्र है, समझ गए? गैलरी आपका रिमूव हो गया, उसका टेंशन मत लीजिए। फैमिली पे फोन आता तो सही नहीं लगता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पहली बार ऐसा हुआ, हालांकि हम ऐसा काम करते नहीं है, लेकिन अब इत्तेफाक था, इत्तेफाक था, होना था, हो गया। लेकिन ये बोल रहे हैं सर कि मेरा रिमूव करवा दीजिएगा सारा चीज। नहीं, अभी आपका देखिए रिमूव आपका हो गया, कॉन्टेक्ट लिस्ट गैलरी रिमूव हो गया। अब ये है ना कि मतलब कि आपका चेक होना बाकी, आपका चेक होगा वो सारा चीज बंद हो जाएगा, समझ गए? क्या क्या बचा है, जैसे आपका अभी नंबर पर आया, मेन नंबर बचा है अभी, तो ये सारा चीज अभी होगा, समझ गए? उसका टेंशन आप मत लीजिए। उसका कॉपी हमको भेज दीजिएगा सर। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया। यदि आप लोग डाटा रिमूव कराना चाहते हैं तो आपका 100% हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। चलिए कॉल लगाते हैं, पूरा आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देखिएगा, कुछ आपको समझ में नहीं आने वाला, आधा अधूरा वीडियो आप मत देखिए। हाँ भाई, बोल रहे थे कि मतलब कि और कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, आपका गैलरी वाली सब रिमूव हो गया है भाई? गैलरी आपका रिमूव हो गया। ठीक है ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, अब कॉन्टेक्ट लिस्ट के बारे है, समझ गया ना? कॉन्टेक्ट लिस्ट भी सारा चीज हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कितना टाइम लगता है?
6 बजे तक आज हो जाएगा ना? आराम से भाई आज हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं वाली बात। बस वो चाहिए सर, आज करवा दीजिए सर। वैसे करते कैसे हो आप? हम लोग किसी के थ्रू करवाते हैं, हम लोग किसी के थ्रू करवाते हैं, समझ गए। हम हमारा ये सब काम नहीं है करना, हमारा सिर्फ है जो लोग हमसे बोलेंगे उनके थ्रू कॉन्टेक्ट करेंगे या उन्हीं के थ्रू करवाएंगे, ये चीज है हमारा। कोई भी एफओ निकाल देते हो सर आप? क्या चीज? कोई भी एफओ, कोई भी ऐसा फ्रॉड, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन हो, चाहे एनबीएफसी एप्लीकेशन हो, बैंक का सेटलमेंट भी कराना हो, एसबीआई हो, पंजाब हो, होम लोन लिए है, बिजनेस लोन, सब चीज हम करवाते हैं। मतलब इनका बाद में कॉल आता ही नहीं है सर? ना, बाद में कॉल आता ही नहीं है। अच्छा ऐसा है सर। वैसे हूँ क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा दरअसल ऐसा हुआ कि कुछ पैसों की जरूरत थी मुझे, कुछ यार दोस्तों से लिए थे तो उसको दे देते, बरोबर। मैंने ऐसे 4-5 चेक से लोन लिया, बरोबर बरोबर। तो बाद में क्या हुआ कि मैंने देखा सभी लोन का और यूट्यूब पे, तो इसका ना ये जो आपने रिमूव किया ना स्कोर वाला, बरोबर, उसका मैंने रिव्यू बहुत खराब देखा। तो मैंने सोचा एक बार तो मैंने पेमेंट कर दिया, बरोबर, ये क्या है ऑटो पेमेंट डाल रहा है, एक बार कर दूं ना। मान लिया मैंने 5,000 का कर दिया, बरोबर, ऑटो ऑटो में वापस डालता है हाथ का, बरोबर, 7,000-4,000 आता है, इसके पेमेंट करके भी इसको अनइंस्टॉल किया करे, जब अनइंस्टॉल करने जाओ उससे पहले तो उसका पेमेंट आ जाता था। आई थी मेरे पास 2-3 एप थी ना, वो मैंने पेमेंट करके सब अनइंस्टॉल कर दिए है, बरोबर से। अभी वो देखता हुआ कि क्या होता है, उसका पूछाता है कि बिल्कुल आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपका सब चीज हो जाएगा 6 बजे तक, ठीक है ना, अप टू डेट आपको देंगे हम। आप मैसेज कीजिएगा, 6 बजे मैसेज कीजिएगा, आपका हो गया रहेगा, टेंशन मत लीजिए। सुनिए ब्रदर, बोलिए। तो भाई बात है, लेकिन दूसरे ऐप है, बरोबर से, उसका थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा ना, वो शायद 4-5 दिन के पास फोन करके कदाचित वो ब्लैकमेल कर सकते हैं ना। हाँ। मैंने उसका पेमेंट भी ओके हो गया है। ओ, अच्छा, वो भी स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। टोटल देखिए, टोटल आपने कितना एप्लीकेशन से लोन ले रखा है? टोटल मैंने टोटल 4-5 एप्लीकेशन था मेरे पास, फ्रॉड एप्लीकेशन, सारा फ्रॉड ही निकला, बताइए। उसमें से एक था वो, एक को अच्छा नहीं निकला ना, एक भी अच्छा नहीं निकला। नहीं, एक निकला ब्रदर, अच्छा निकला, बरोबर से। वो एप्लीकेशन से मैंने कल ही पेमेंट किया ना, तो उसके एजेंट से मैंने बात की, आगे कुछ नहीं, आप लेना तो लेना वरना अपन अनइंस्टॉल कर दो, तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। इसमें पढ़ना ही नहीं है ना, मैं कहूं आगे चल के दिक्कत हो, मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है इसमें। दो तीन एप्लीकेशन था, बरोबर से, तो मेरे पास पैसे थे, तो मैंने सोचा कि इसमें पैसे डाल के ये सब सारे अनइंस्टॉल कर दो, तो मैंने अनइंस्टॉल कर दी, बरोबर। उसकी ड्यू डेट अभी 22 को है, वो टेंशन है कि 22 को लोगों का फोन आता है, बोलते हैं कि पैसे ना को एक बार डाल दिया, ऐसा हो सकता है? हाँ भाई हाँ, वो देखिए इतना है ना, तो पैसा एक बार डाल दिया ना तो ब्लैकमेल एक बार आप पर करेगा ही करेगा। नहीं, ब्लैकमेल नहीं, ब्लैकमेल करने से पहले ही मैंने वो पैसा डाल के एक को अनइंस्टॉल कर दिया। नहीं, अनइंस्टॉल से क्या मतलब है, डाटा तो वो लिया है ना, डाटा तो वो लिया है, अनइंस्टॉल से कोई मतलब नहीं है, वो डाटा लिया है। जब तक डाटा नहीं रिमूव होगा उन सब से, तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा सर। अच्छा, ये चीज है। हाँ, वो एप्लीकेशन कोई भी रिमूव कर, मुझे 2 दिन पहले थोड़ी देर में करता हूँ, बरोबर, ऐसा बोल के मैंने घंटा लगा दिया। तो वो बोला मैं आपको अपने थर्ड पार्टी एजेंट से बात करा था, उन्हें क्यों पेमेंट नहीं करते हो ना सर? उसमें मेरा 3 EMI था, बरोबर से, 2 का आज का डेट था और 2 का एक दिन बाद था, बरोबर। तो मैंने 2 का पेमेंट कर दिया, तो वो लोग चले गए, उसके बाद कुछ मैसेज के बहुत नहीं आया कॉल, बरोबर से। तो मैंने सोचा, और शाम का 3रा जो था ना वो भी मैंने कर दिया, बरोबर से, वो कर दिया, तो उसका कुछ फोन के मैसेज कुछ नहीं आया है, उसकी ड्यू डेट चली गई है, बरोबर से, आगे आ सकता है। हाँ भाई, वो लोग करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, बरोबर, बिल्कुल। अच्छा, कितने टाइम में कर सकता है कुछ पता? करेगा वो, कुछ भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, वो लोग कर सकता है। पहले इसका हम करवा देते हैं आपका, ठीक है, तब आपको बताते हैं, ठीक है ना? क्या? पहले ये जो हो रहा है ना, पहले ये एप्लीकेशन का हो जाने दीजिए। अच्छा, ये हो जाए। हाँ, अगर
कोई ऐसा कॉल आता है मुझे बरूबर, तो मैं आपको बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो मेरी हेल्प करो ना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, पेमेंट जो चाहे हो जाएगा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है कर दूंगा, ठीक है भाई ठीक। लेकिन आप बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल 100% श्योर। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों, यदि बात विचार करना चाहते हैं तो इंस्टा। हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज आ रही है आपको? हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते भाई, नमस्ते, बताइए भैया। मैंने वो स्कोर एनालिस्ट से फोन लिया था, मैं बिहार से हूँ। अच्छा 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 अच्छा, गांव में बिहार से हूँ। तो भैया मैंने आज जो है सो पेमेंट उसका किया, ठीक है, और पेमेंट करने के बाद जो है सो ऐप अनइंस्टॉल कर दिया सब कुछ करके। और मैंने वो व्हाट्सएप का मैसेज आया था तो मैंने बताया भी, तो बोला क्या हो गया पेमेंट, तो मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 5400 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिया है। मैंने उसके बाद अप्लाई अप्लाई नहीं किया, फिर भी वो 5400 डाल दिया। इसका कुछ बताइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इसका रिपेमेंट नहीं ना किया है ना, अभी जो आया है उसमें तो मैं ऐप ही अनइंस्टॉल कर दिया हूँ, पहले वाले का तो कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग अपने आप ही पैसा भेज रहा है। एक बार का तो मैंने कर चुका हूँ, लेकिन ये फिर से भेज रहा है। देखिए रिपेमेंट, देखिए रिपेमेंट करना कोई सलूशन नहीं है, ठीक है। रिपेमेंट करना कोई सलूशन नहीं है, रिपेमेंट यदि करते हैं तो समझिए कि और ज्यादा आपको ब्लैकमेल करेगा सर। इसीलिए मैंने किया है भैया, तो लेकिन ये फिर से डाल दिया है पैसा तो। बिल्कुल, तो इसके लिए हम लोग डाटा रिमूव करते हैं, समझ गए। डाटा यदि रिमूव कराना चाहते हैं तो हम लोग डाटा इसका रिमूव करते हैं, कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन, कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन का हम लोग डाटा रिमूव करते हैं। ना ना भाई, ऐसा नहीं है भाई, प्ले स्टोर पर है तो लीगल होगा, ऐसा ऐसा नहीं है भाई, ये हो गया फ्रॉड, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है। मैं जब डाउनलोड किया उसके बाद मुझे पता चला कि ये फ्रॉड है। तो अभी तो मैंने इसका रिपेमेंट करके उसको बोल भी दिया कि बंद कर दो, मेरा अकाउंट नहीं चाहिए। लगता है हमको कोई बलदेव सिंह करके जो है सो मेरे मोबाइल का मैसेज आया कि क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में। मुझे लग रहा है कि वही लोग किया होगा। बिल्कुल 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 नहीं, तो देखिए जो क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए थे लोन लेते टाइम, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए थे इनको? आधार कार्ड, पैन कार्ड दिए थे, अपना मोबाइल नंबर। हाँ तो वो डॉक्यूमेंट हमको भेज दीजिए, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, वो जो डॉक्यूमेंट आपने दिया था ना, वो डॉक्यूमेंट मेरे को भेज दीजिए, आप सेंड कर दीजिए। आप भी बिहार से ही है ना भैया? हम भी भाई बिहार ही से। आप बिहार में कहाँ से है? बिहार में मधुबनी से। अच्छा अच्छा, नहीं तो हम भोजपुर जिले से। तो वो चीज आपको डॉक्यूमेंट भेज देना है, एक घंटे में रिमूव हो जाएगा, ये आपको बता देना चाहता हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ कि 2400 रुपया चार्ज लगती है, समझ गया ना? हाँ हाँ, ये चीज है। फिर उसको रिपेमेंट या कॉल वॉल तो नहीं आएगा ना मुझे? ना 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 ना, वो सब कोई भी कॉल मैसेज नहीं आएगा, सारा चीज बंद हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट मेरे पर भेज दीजिए, आप और हम UPID सेंड कर दिए, उस UPID पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, आपका काम चालू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक है भेज दीजिए आप, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कर दीजिए, भेज दीजिए, हम आपको अपडेट दे देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए दोस्तों बात विचार हो गई, अब यहाँ पर कॉल करते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दे, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो। हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई बोलिए। हाँ वो हम देख लिए आपका, आ गया है, आप भेज दीजिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं बोले थे आपसे?
कार्ड भरना पड़ेगा, आधार कार्ड भरना पड़ेगा और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप हमको ये करने के बाद उसका कुछ नहीं दीजिएगा? हाँ, आपको आपको वो करने के बाद हम आप पर प्रूफ भेजेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप भेज दीजिए, टाइप कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भेजिए। ठीक, चलिए दोस्तों, बात विचार हो गए, इनको बोल दिए क्या है क्या नहीं है। अब चलिए कॉल लगाते हैं, पूरा कंप्लीट देखिए वीडियो, वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखा कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आधा अधूरा आप लोग वीडियो मत देखिए, ठीक है, आधा अधूरा वीडियो आप लोग मत देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ, वो चीज हम देख लिए हैं, उसी टाइम में उन लोगों को फॉरवर्ड हमने कर दिया है जो आपने भेजा है ना, सब चीज फॉरवर्ड कर दिया है। बस जब भी डिलीट होता है तो आपको हम अपडेट दे देंगे, नहीं तो आप खुद ही से मैसेज कर लीजिएगा मेरे पास, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को मैसेज आता है ना तो नंबर पता नहीं चलता है किसका क्या है क्या नहीं है। एक दिन में 50-60 आता है मेरे पास, समझ गए? अच्छा। हाँ, तो खुद ही आप मैसेज कर लीजिएगा एक घंटा में। क्या चीज? मैसेज आपको कितनी देर बाद करूँगा? एक घंटे में, एक घंटे में, एक घंटे में। हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गए, इनको बोल दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पूरा आप लोग कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, आधा अधूरा कभी भी वीडियो आप लोग मत देखिए। आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों कॉल लगाते हैं, इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पर यदि आप लोग मैसेज कीजिए भाई, वहाँ पर बात विचार होगा, वहाँ पर बताइए कौन सा एप्लीकेशन आप लोग फंसे हुए हैं, फ्रॉड एप्लीकेशन है या NBFC एप्लीकेशन है, सेटलमेंट कराना है कि या किसी बैंक से आप लोग लोन लिए हैं, तो जो भी है आप लोग मैसेज कीजिए, 100% आपको जवाब दिया जाएगा, 100% आप लोगों को बताया जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सारा चीज़। तो चलिए यहाँ पर कॉल लगाए हैं, देखते हैं कॉल यहाँ पर उठाते हैं नहीं उठाते। तो फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यदि फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट आप लोग कर रहे हैं तो बहुत मतलब कि ये गलत कर रहे हैं। फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट करना कोई सलूशन नहीं है, आपको बता देना चाहता हूँ। यदि अभी भी आप लोग वीडियो देखने के बाद कर रहे हैं तो यहाँ पर गलती हो जाएगा, रिपेमेंट करने के बाद और ज्यादा ब्लैकमेल आपको करेगा, समझ गए? रिपेमेंट करने के बाद और ज्यादा ब्लैकमेल करेगा भाई, रिपेमेंट करने के बाद और ज्यादा आपको ब्लैकमेल करेगा। ओके ब्रो, रिपेमेंट करना कोई सलूशन नहीं है, ठीक है, रिपेमेंट करना दोस्तों कोई सलूशन नहीं, आपको बता देना चाहता हूँ। रिपेमेंट कीजिएगा तो बहुत बुरी तरीके से आप लोग फंसिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पर YouTube पर आपका वीडियो देखा है, स्कोर भाई बहुत सारे लोग फंस रहे हैं भाई, इस एप्लीकेशन को लगाते हैं, पूरा कंप्लीट देखा कीजिए वीडियो, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, आधा अधूरा कभी वीडियो मत देखिए, आधा अधूरा कभी भी आपको वीडियो नहीं दे। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? क्या भी, कैसे हो मजे में? बहुत बढ़िया है भाई, बताइए आप कैसे हो भैया? मजे में, बहुत मजे में है भाई, बताइए। अच्छा, मैंने हम थोड़े मजे में नहीं है, थोड़ा हेल्प कर सकते हैं तो बस देखिए। बिल्कुल भाई, हम आपका हेल्प कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो है, जैसे ही आप स्कोर का नाम लिए वही सोचे कि भाई आप कैसे मजे में हो सकते हैं। हाँ, उसमें क्या हुआ, मैंने उसको वो ये है ना स्कोर वाला, उससे मैंने लोन लिया था, बरोबर, एक महीने रीपे भी मैंने कर दिया, बरोबर है, एक 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 महीने कर दिया था, दूसरा उसने ऑटो में डाल दिया, दूसरा मेरे में आ गया, बरोबर, घर का उसका डेट कुछ 22-23 को है रीपे करने का, बरोबर। तो मैं ये सोच रहा हूँ तो उसके तो बंद हो जाए ना, तो ये रीपे करके इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा, उससे जान छूटे, बरोबर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भाई। तो देखिए, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया था लोन लेते टाइम, क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया था? पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेल्फी, रजिस्टर, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट है मेरे पास आपको भेजना है, ठीक है? अच्छा।
ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आपको भेजना है और उसके बाद एक एप्लीकेशन का डाटा रिमूव करने का चार्ज 2400 रुपया, आपने वीडियो में देखा होगा। दे दूंगा सर, वो पे प्रश्न ही नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक घंटे में आपका डाटा रिमूव हो जाएगा, सोच लीजिए। बाद में कॉल के मैसेज कुछ आएगा नहीं? कुछ नहीं, मैसेज कुछ नहीं आएगा, कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल नहीं जाएगा, सारा चीज हम लोग रिमूव करवा देंगे। अच्छा। कब ऐसा हुआ, ऐसा आपके साथ ये घटना कब हुआ, आपके साथ कब ये हुआ? मेरे साथ हुआ कुछ मान लीजिए ना सर, 13 तारीख को मैंने लिया था। सत्रह तारीख को उसका एजेंट का मुझे फोन आया, मैसेज आया ना, तो मैंने पेमेंट भी कर दिया, बरोबर हो भी गया, वैसे कॉल कीजिएगा तो नहीं ना, मतलब होगा क्योंकि भाई इनकमिंग कॉल बंद किए हैं उस पर। उसने आपका, मैं आपको बोल रहा हूँ, वैसे कॉल करूँ, मेरे में कॉल आ रहे हैं। नॉर्मल कॉल कीजिएगा। नॉर्मल कॉल कीजिएगा तो नॉर्मल कॉल नहीं लगेगा ना, नॉर्मल कॉल नहीं लगेगा, इनकमिंग कॉल बंद है। आपको 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 नहीं, वही बोल रहे हैं, इस नंबर पर नॉर्मल कॉल नहीं आ पाएगा। अच्छा अच्छा हाँ, क्योंकि हम इसलिए बंद किए हैं ना कि एक दिन में देखिए, पहले तो 1000-1200 कॉल आता था मेरे पास। अच्छा ठीक है। अब 5000 कॉल आता है, तो भाई समझिए कि मोबाइल का डिस्प्ले हमेशा जलता रहता है। इसीलिए व्हाट्सएप पर ये काम चालू किया है, उसमें क्या पता चलेगा, कोई भी कॉल कर देगा, यूट्यूब में दिया नंबर तो। हाँ, तो वो डॉक्यूमेंट मेरे को भेज दीजिए आप, ठीक है, हम आपका एक घंटे में रिमूव करा देंगे, कोई झंझट वाली काम नहीं है। पेमेंट देखिए, पेमेंट आपको पहले ही करना पड़ता है, UPID भेज दिया आपको, technicalzipper@ybl। हाँ, उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, काम चालू हो जाएगा आपका। नहीं तो एक घंटे बाद आप खुद ही मैसेज कर लीजिएगा ना, क्योंकि व्हाट्सएप पर 50-60 लोग रोज आते हैं, 100-100 भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक घंटे में देखिए, अभी मान लीजिए 4 बज रहा है ना, तो आप ठीक 5 बजे चाहे 5:10 चाहे 5:15 में मैसेज कीजिए मेरे पास, पूछने के लिए हो गया आपका, हो गया रहेगा, समझ गए। धन्यवाद सर। बिल्कुल भाई, भेज दीजिए डॉक्यूमेंट, आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। ओके सर। ठीक है बेटे। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया यहाँ पर, लोगों से बात विचार हुआ काफी ज्यादा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर पूरा कंप्लीट आप लोग वीडियो देखिए, आधा अधूरा कभी भी आपको वीडियो नहीं देखना है, देखना है तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो बहुत बड़ा मतलब की प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत झंझट वाली काम हो सकती है, आधा अधूरा कभी। हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज आ रही है आपको? कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, बताइए आप। मैं कह रहा था भैया, जैसे वो मैं शुभम बोल रहा था भैया। हाँ हाँ भाई बोलिए। मैं कह रहा था जैसे मैंने आपसे डाटा ही रेस करवाया था ना उसका, जितना भी था। तो अब मैं उसको ऐप पे खोल के तो ना देखू ना, मतलब मैं देख सकता हूँ कि उसपे की मतलब मेरा कोई प्रोसेसिंग तो नहीं है कुछ ऐसा, या बिल्कुल खोल भी ना उसको, मैंने तो डिलीट कर दिया। वो एप्लीकेशन को आपको खोलना भी नहीं है, इंस्टॉल भी तो हाँ, इंस्टॉल भी आपको एप्लीकेशन नहीं करना, इंस्टॉल कीजिएगा तो फायदा ही क्या डाटा रिमूव का, वो फिर से अलाउ करने के लिए वो मांगने लगेगा। हाँ ठीक है, वो मैंने करा ही नहीं जब से। बिल्कुल बहुत बढ़िया किए, वही सोचे कि आपने क्या बोल रहे हैं, डाउनलोड करने के लिए कीजिएगा तो समझिए कि वेस्ट हो जाएगा सारा चीज ना, काम ही वेस्ट हो जाएगा। बस मैं यही कह रहा था कि भैया कि वो डाउनलोड नहीं करूंगा, वैसे तो मेरा वहां से हो ही गया होगा, अब तो कुछ दिखाई नहीं रहा होगा अंदर। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो सर्वर से था ना, उनका जो सर्वर से जो भी आपका एक्सेस किए थे, कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गया जो भी वगैरह वगैरह, तो सारा चीज हम लोग मतलब रिमूव करा दिए, उसका आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, डरने वाली बिल्कुल भी आपको कोई भी बात नहीं है। नहीं, आपकी जैसी ना वीडियो डाल रखी थी, वो भी 2400 रुपए चार्ज कर रहा है, मैंने आज ही देखी वो। अच्छा, नजर की कर दी। हाँ। क्या चीज क्या है? तो उसने सेम वीडियो डाल रखी जैसे आप डालते ना, ऐसी बना रखी उसने, वो कह रहा था हम डाटा रिमूव करवाएंगे, इतना फीस होगा उसका, ये वो वगैरह वगैरह। लग रहा है इसको मैसेज किया, अब ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो कोई देख कर मिसयूज कर रहा है। हो सकता है, तब अब वो भी डाटा रिमूव, अब देखा देगी, सब लोग डाटा रिमूव करवाएंगे, कॉन्टेक्ट हो चाहे ना हो। अच्छा
नहीं तो अब क्या होगा ना कि लोग फंस जाएंगे तो फिर बोलेंगे कि बताइए कि हम करवाए थे यूट्यूबर में वो हुआ ही नहीं, कोई विश्वास भी नहीं करेगा। तो बस मैंने जैसे उसकी वीडियो देखी ना तो फिर मैंने आपको कॉल करने के लिए बोला था कि भैया ऐसे ऐसे वीडियो डाले कि बंदे ने आपकी जैसी। उसने बोल रखा कि 600 रुपए लगते हैं ये वो इतना इतना अमाउंट लगेगा, हम डाटा करा देंगे और हम प्रूफ देते हैं, स्क्रीनशॉट देते हैं, ऐसे कुछ बोल रहा था। तो मैं वही बोल रहा था कि स्क्रीनशॉट वगैरह प्रूफ प्रूफ ऐसे कुछ देते हैं इसमें। हाँ भाई हम लोग प्रूफ देते हैं। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ। अब देखिए क्या है ना कि बहुत इतना समझिए एक दिन में 60-70 लोगों का मतलब कि डाटा रिमूवल का हमारे पास आता है, समझ गए। एनबीएफसी से लेकर लोन माफी सेटलमेंट के लिए इसका उसका, अब इसमें वीडियो भी बनाना है, इतना 6-7 चैनल भी रन करना है, तो समझ रहे हैं ना कि कितना मुश्किल वाला काम है। हाँ तो यही चीज आदमी देख नहीं पाता है, समझ गए। वो तो बात करते हैं, आप बताते हैं कि हम बात कर रहे हैं तो आदमी जानता है। हाँ, ये चीज है। चलिए कोई ठीक है, ठीक है ना, और सब ठीक है। ठीक है ठीक है। चलिए दोस्तों कॉल लगाते हैं, पूरा देखिए कंप्लीट तक वीडियो। चलिए दोस्तों वीडियो को देख, किसका? ईएमए का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो डाल दीजिए, हम आपको अभी बोल देते हैं उन लोगों से कराने के लिए, ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। सुनो। हाँ बोलिए भाई। अभी हो जाए तो बढ़िया रहेगा। हाँ तो हो जाएगा भाई, उसका तो हो गया ना, उसका आपने सुबह में बोला उसका हो गया कंप्लीट, आपको कर कर दे दिए। नहीं नहीं अभी जस्ट हो, मेरे को 4 बजे फोन करेगा। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही UPID है, वही UPID है। ठीक है ठीक है ठीक है, भेज दीजिए। ठीक ठीक चलिए दोस्तों यहाँ पर बात विचार हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, ठीक है? वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दे, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को पूरा कंप्लीट आप लोग देखिए, वीडियो कंप्लीट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरा लास्ट तक आपको वीडियो देखना है, आधा अधूरा नहीं देखना है। जो फ्रॉड एप्लीकेशन में आप लोग फंसे हैं, जो रिसेंटली आजकल फ्रॉड एप्लीकेशन चल रहा है उसका डाटा आप लोग रिमूव कराना चाहते हैं, 100% आपका रिमूव हो जाएगा। हमारे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कॉल लगाते हैं दोस्तों, तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। अब ये हो क्या रहा है ना कि जैसे ही आप लोग अपना डॉक्यूमेंट इसमें डाल रहे हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड रजिस्टर मोबाइल नंबर ये सब डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, उसी के बाद ये लोग ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दे रहा है, समझ गए। उसी के बाद ब्लैकमेल करना ये लोग स्टार्ट कर दे रहा है, लोगों को डरा रहा है धमका रहा है ये सारा चीज कर रहा है। हाँ भाई बोलिए बताइए। हेलो। हाँ भाई बोलिए बताइए, बोले थे 4 बजे कॉल करने के लिए, कॉल किया आपके पास, पूछिए। हाँ तो भैया कैसा है वो, मेरे मतलब सारा डाटा डिलीट हो गया। सारा डाटा आपका डिलीट हो गया, बिल्कुल भी आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अच्छा। हम हैकर द्वारा करते हैं भाई, वो लोग क्या करते हैं ना कि इनके सर्वर को हैक करती है, उसके बाद मतलब वहाँ से डाटा रिमूव करने का काम करता है। अच्छा। ये चीज है, डाटा कोई ऑफलाइन सेव नहीं करते? नहीं ऑफलाइन कोई नहीं सेव करते हैं। देखिए जो भी कॉल आता है ना, मान लीजिए जो भी कॉल आता है तो वेबसाइट कॉलिंग ये लोग करते हैं, समझ गए। अच्छा। ये लोग वेबसाइट कॉलिंग करते हैं और लोगों को डराने काम धमकाने काम ये लोग करते रहते हैं। नहीं नहीं मतलब जैसे आप जैसे डिलीट करते हैं ना, ये तो चाइनीज सर्वर या पाकिस्तान सर्वर पर ऑनलाइन वेबसाइट पर रखते हैं वो डिलीट करते हैं आप तो। अगर बाई चांस कोई ऑफलाइन सेव करके रखा डाटा कंप्यूटर में कोई तो फिर कैसे मतलब वो कैसे डिलीट होगी या वो भी सारा क्लियर हो गया? ये थोड़ा बताइए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सारा आपका क्लियर हो गया है, बिल्कुल भी आपको डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आपको जरा सा भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका जो भी था सारा क्लियर हो गया है। अच्छा।
अच्छा तो उस मतलब वो गैलरी के जो एक्सेस लिया वो और कॉन्टेक्ट डिटेल सारी क्लियर हो गई, सारा चीज क्लियर हो गया भाई। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग गैलरी पर काम करते हैं, समझ गए हैं? सबसे पहले हम लोग गैलरी पर काम करते हैं। गैलरी में जो भी मान लीजिए फोटो वोटो लिया रहता है, गैलरी देखिए, गैलरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब मान लीजिए देखिए, कॉन्टेक्ट लिस्ट का बात दूसरा है, मान लीजिए गैलरी में किसी का प्राइवेट फोटो होगा चाहे फैमिली ओमली का फोटो होगा, तो समझ रहे हैं ना कि बात मतलब कि कहाँ तक आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, गैलरी का ही रहता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आपका जो भी है सारा मतलब कि रिमूव हो गया, आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक हुआ ना भाई? ठीक हुआ, बढ़िया हुआ। देखिए कोई देखिए कोई हाँ ये समझिए ना, ये एक ट्रैप है, समझ गए? ये एक ट्रैप है, ये सारा पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, चाइनीज एप्लीकेशन है, फंडिंग चाइना से होता है। तो ये लोग ऐसे कर कर लोगों मतलब कि समझिए कि एक हमारे भारत देश पर एक साइबर अटैक है, समझ रहे हैं ना? साइबर अटैक, हाँ, ये बिल्कुल एक साइबर अटैक है, और हमारे भारत देश का पैसा मतलब कि लेकर इधर से उधर, समझ रहे हैं ना बात? अब बहुत सारे लोग इसमें फंसते हैं, सुसाइड भी करते हैं। अब बहुत सारे लोग देखिए, परसों मतलब कि एक लोग से मतलब एक जन से बात हुआ, उन्होंने बोला कि 1 लाख से ऊपर हम पैसा दे देकर थक गए हैं, 21 दिन में 1 लाख से ऊपर पैसा हम दे देकर थक गए, लेकिन वो लोग पीछा छोड़ने के लिए राजी नहीं है। हाँ सही है, वो फिर एक बार उनको लग जाता है ना फिर। हाँ 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 बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी वो गलती से वापस लेकिन किया, कम ही था मेरा, पैसा ज्यादा नहीं हुआ पहले बार में, समझ गया। पहले ही उनका मतलब क्लोज होता था तो इसलिए मैंने। देखिए क्या है ना कि रिपेमेंट करना कोई सलूशन नहीं है, समझ गए? सही है, इनका रिपेमेंट करना कोई सलूशन है, रिपेमेंट कीजिएगा तो और ज्यादा आपको ब्लैकमेल करेगा और आपको हरासमेंट करेगा। फिर उनका तो ये मकसद यही है कि इनको लूटना है। बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि कोई भी ब्लैकमेलर है, कोई भी ब्लैकमेलर किसी भी चीज के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मान लीजिए वो लड़की है, उसका प्राइवेट फोटो लिया है, उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि मतलब कि एक दिन के लिए यहाँ पर आ जाओ, मेरे रूम में आ जाओ, होटल में आ जाओ। वो लड़की चली गई, समझ गए? वो उसके साथ गलत कर दिया तो उसका और मकसद ये बढ़ जाएगा, तो कल भी गलत करेगा, परसों भी गलत करेगा, ऐसे ही वो गलत करते रहेगा, समझ गए? फिर वो उसके बाद वही है, वही लड़की उसके बाद थक हार कर मतलब गिरोने लगेगी, फैमिली वालों को बताएगी, पुलिस में कंप्लेन करेगी, लेकिन अब क्या फायदा, अब जो भी था होना था ये हो गया है कि नहीं? सही है, तो यही चीज है, रिपेमेंट करना कोई सलूशन है। रिपेमेंट करने के बाद वो लोग और समझ जाते हैं कि भाई ये बंदा डर गया है। चलो भैया अच्छा काम किया, बढ़िया, और भी कोई होगा तो मैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई, ठीक, थैंक यू, ठीक है, ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर करते हैं पूरा, आप लोग कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, पूरा आप लोग कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज आ रही है आपको? बोलिए भाई, बताइए। जो डाटा रिमूव करते हैं सर, हाँ 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 हाँ, क्या मतलब है ये, हम सही में रिमूव हो जाता है? बिल्कुल भाई, सही में रिमूव हो जाता है, सही में रिमूव हो जाता है भाई। एक एप्लीकेशन है 7 डे लोन देता है, उससे लोन लेने के बाद जो लोन रिपेमेंट का समय आया तो फोन कर रहा, बहुत परेशान कर रहा। कौन सा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कौन सा है? हेलो क्रेडिट। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखिए जो देखिए बता देते हैं, जो उनको डॉक्यूमेंट दिए, ठीक है, पैन नंबर मांगा होगा, आधार नंबर मांगा होगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर मांगा होगा, सही है ना? तो ये देखिए, ये सारा मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट मांगा है, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास आपको सेंड करना, ठीक है, उसी के द्वारा हम लोग रिमूव कराएंगे।
अगर वो मान लेते हैं किसी डाटा में ये पेन ड्राइव में अगर सेव कर लिया होगा तो उससे रिमूव कैसे होगा, ये भी तो बात हो सकता है। तो देखिए उसे रिमूव, देखिए होता क्या है ना कि जिसे हम रिमूव करवाते हैं, जिनसे हमारा कॉन्टेक्ट है, वो लोग करता क्या है ना कि उस एप्लीकेशन का सर्वर को हैक करता है, समझ गए। जैसे कि आपने पैन नंबर भेजा, आधार नंबर भेजा, मोबाइल नंबर भेजा, मोबाइल नंबर से पहले ये लॉगिन कर उस सर्वर को हैक करता है, हैक करने के बाद वहां से डाटा रिमूव कराने का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है यार। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ भाई साहब? बिहार में, हम आपको बताए ना, भोजपुर जिले से हम बात कर रहे हैं। वो जो आप भेजे हैं हमको QR कोड वाला, उस पे पैसा डालना पड़ेगा? हाँ वही QR कोड है ना, तो UPI पर भेजे ही है, इंस्टाग्राम पर। तो उसको बोल रहे हैं कि उसपे डायरेक्ट टोटल पैसा 2400 नहीं ले रहा, उसपे दो बार करके डाल सकते हैं ना? दो बार करके डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा उनको, स्क्रीनशॉट हमको दिखाना होता है कि भाई इतना पैसा रिसीव हुआ। ये व्हाट्सएप आपका इसी पे डालना पड़ेगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसके बाद फिर अपना जो पैन आधार है दोनों और रजिस्टर्ड नंबर देना होगा। हाँ। क्या चीज? एक घंटे में हो जाएगा ना। ना उसके बाद ये सारा चीज नहीं आएगा, सब चीज रिमूव हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फैमिली मेंबर को या घर में किसी को? ना, वो सब कुछ भी नहीं होगा, सारा चीज रिमूव हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ना उसको रिपेमेंट कहाँ से करना पड़ेगा, वो तो हम उसके खिलाफ है भाई। रिपेमेंट कीजिएगा तो और ज्यादा वो लोग हरासमेंट करता है। एकदम नहीं करना है रिपेमेंट? ना एकदम आपको रिपेमेंट नहीं करना है। हम आपको भेजते है उस पे ठीक है। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, बता दिए इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, मैंने आपको ट्राई किया, पूरा वीडियो देखा कीजिए, उसमें बोल रहा है लास्ट में। चलिए भाई कॉल लगाता है, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किया, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो। हाँ भाई बोलिए बताइए। हाँ भाई बोलिए बताइए। ये आपने बोला था ना वो QDAP में देखने, तो QDAP में मैंने देखा तो उसमें अभी बोल रहे हैं सब हो गया, लास्ट में 6 स्टेप था, तो लास्ट वाले स्टेप में बोल रहे हैं जो 100 रुपया ऐड करने। ना भाई वो फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। लोन कभी भी ऐसा नहीं मिलता, वो नहीं कि 100 रुपया डालिए तभी आपको लोन मिलेंगे, वो फ्रॉड हो जाएगा, उसको स्किप कीजिए। आप मतलब कि कौन सा एप्लीकेशन में आप लेना चाहते हैं? NBFC एप्लीकेशन में? जिसमें वो एजेंट ना, आपने जो YouTube पे बनाया था ना वीडियो, रिपेमेंट ना करे वो ऐप में। वो वाला। मेरे को 2000 तक की चाहिए। तो कौन सा है? तो एम पॉकेट में देखिए, एम पॉकेट में आपने देख लिया? एम पॉकेट में किया था, उसमें वेरिफिकेशन बताया, उसके बाद वो फेल बता रहे, तो शायद से दूसरे नंबर से करना पड़ेगा। अच्छा, हम आपको ढूंढ कर देते हैं, बताते हैं कौन सा एप्लीकेशन, ठीक है? हम ढूंढते हैं थोड़ा, ठीक है ना? ठीक है भाई, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। ठीक है। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, इनको बता दिए क्या करना है। यदि आप लोग रिपेमेंट कर दिए हैं तो भाई बहुत गलत किए हैं, आपको रिपेमेंट वेमेंट नहीं करना है। डाटा रिमूव कराना चाहते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, टेक्निकल जी पर हमारा इंस्टा आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आइए इजिली बात विचार करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।
कल ना मतलब मैं बस आप रिसर्च करते समय मेरा फ्रेंड आपको कॉल किया था, वो आपका यूट्यूबर फॉलोवर है एक्चुअली, तो उसने आपको कॉल किया, उसने आपको पूछा ना कि फ्रेंड के बहन के लिए ऐसा कुछ हुआ के लिए, तो आपने बोला कि हाँ करेंगे, हैकर ऐसा कोई नहीं है, मैं खुद ही करूंगा ऐसा आपने बोला ना। कौन बोला? आपने ही बोला। हमने कब बोला कि हम ही खुद करेंगे? हम तो बोले कि किसी के थ्रू करवाते हैं, हम तो वीडियो में बोले हैं किसी के थ्रू हम करवाते हैं। देखे नहीं होंगे मैसेज शायद? नहीं, मैसेज हम शायद देखे नहीं होंगे। मेरे साथ आपने बोला कि हैकर के साथ करोगे, लेकिन उनके साथ आपने बोला कि मैं खुद ही करूंगा, हैकर ऐसा कोई नहीं है, तो उसने मुझे ऐसे बताया। कौन बोला? वो मेरा फ्रेंड है, आपको कल जब मैंने कॉल किया, मेरे कॉल के बाद उसने आपको कॉल किया। ना ना, ऐसा वैसा हम कुछ भी नहीं बोले। ठीक है, होगा तो अभी बात कराइए, बोल दीजिए अभी मैसेज करने के लिए। अच्छा ठीक है। हाँ, क्या नंबर है उनका? नंबर बताइए तो लास्ट में, क्या नंबर है? नंबर तो मैं एक बार बताती हूँ। ठीक है, लास्ट में उनका नंबर बता दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ भाई बोलिए, बताइए। हेलो। हाँ भाई, हो रहा है आपका प्रोसेसिंग में काम है? ठीक है। अरे वो मैसेज कर रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं तो देखिए अभी अभी देखिए अभी आपको क्या करना है, बताएं क्या करना है आपको। अभी आपको ये चीज करना है कि नेट को ऑफ कर देना है। ठीक है, अब इनके मैसेज को जितना सीन कीजिएगा ना, और ज्यादा आपको परेशान करेगा, आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ, इनके मैसेज को आपको सीन ही नहीं करना है। समझ सकते हैं हम, तो आपका अभी काम प्रोसेसिंग में, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं। ठीक है ना, अभी इनके कॉल मैसेज को आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, हाँ इग्नोर कीजिए, नेट को ऑफ कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कॉन्टेक्ट अभी करेगा क्या चीज, मैसेज वगैरह? ना ना, वो नहीं करेगा, तब तक आपका काम हो गया रहेगा। समझ गए? दोनों का क्या चीज? दोनों इसका, तो दोनों एप्लीकेशन के लिए मतलब कि पेमेंट किए थे आप? दोनों एक का तो हो गया ना, वो जो बोले थे आप मॉर्निंग में, क्या चीज उससे ही हो कर रहा है मैसेज? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों हम चेक करवाते हैं दोनों। ठीक है ना, ये तो अभी काम हो रहा है। फोटो भेजा है। अच्छा, ये तो अभी काम हो रहा है। ठीक है, ये काम हो रहा है आपका? नहीं, आप बोल रहे थे ना कॉन्टेक्ट लिस्ट सारी डिलीट हो गई, मेरे को उसने पूरी सारी फॉरवर्ड कर दी कॉन्टेक्ट से। ये जो देखिए, ये जो है ना, ये एप्लीकेशन सेकंड वाला नहीं बोले थे कि सेकंड वाला का भी मतलब ये करवाना है? हाँ हाँ। तो सेकंड वाला का भी काम हो रहा है, वो भी साथ में चेक होगा, उसका टेंशन मत लीजिए, चेक हुआ नहीं था उस टाइम। जो फर्स्ट वाला था आपने बोला हो जाएगा? हाँ हाँ, वो उसी का हम बोल रहे हैं, उसी का बोल रहे हैं, चेक नहीं हुआ था, प्रोसेस सब हो गया था, लेकिन हाँ ठीक है ठीक है भाई, उनको बोल दिया सारा मतलब कि एक ही साथ दोनों हो जाएगा काम, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, चलिए दोस्तों बात विचार हो गया, चलिए कॉल लगाते हैं भाई। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हाँ भाई बोलिए, बताइए। ओ रफू के अनइंस्टॉल कर दो, वो एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसमें क्या है वैसे भी, उसमें मैंने परमिशन अभी नहीं दी है। हाँ। परमिशन एलो नहीं रखा है। नहीं तो एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन वो रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कॉल बोल दिया ना? ना कॉल में से सारा चीज नहीं आएगा। अभी कितना देर मतलब रिपेमेंट किए, इसीलिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो गया ना। एक बार ही आए बराबर, एक बार किया, लेकिन दूसरी बार ऑटो में आया ना। तो मैंने सोच लिया अगर ऑटो में डालता रहेगा तो कहाँ से करने पड़ेंगे इतना पेमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिक्कत है।
यही यही हाँ आपका हो जाएगा, यही यही थोड़ा ये हो गया, रिपेमेंट रिपेमेंट किया ना तो वो लोग समझ गया ना कि ये सामने वाले पार्टी डर गया है इसी वजह से, मतलब कि पैसा दे दिया, यही चीज है। हाँ रिपेमेंट नहीं किए रहते हैं तो यही चीज रहता है। ना ना कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। ओके तो मैं अनइंस्टॉल कर लूँ ना? बिल्कुल 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 अनइंस्टॉल कर दीजिए। ओके ओके सर, ठीक है ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक ओके। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि जितना डरिएगा उतना आपको ये होगा, समझ गए? चलिए कॉल लगाते हैं, पूरा देखिए कंप्लीट तक वीडियो, वीडियो को पूरा कंप्लीट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा कभी वीडियो नहीं देखना है आपको। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रहा है। हुआ हाँ? कि नहीं हुआ भाई, आप एक घंटे में कर देंगे बोल के बोले, अभी तक नहीं हुआ। तो देखिए आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये एप्लीकेशन था उसके अंदर भी और भी एप्लीकेशन है, समझ गए हैं? हाँ। उनके अंदर भी एप्लीकेशन है, तो सारे एप्लीकेशन से रिमूव होने का काम हो रहा है, उसका टेंशन आप मत लीजिए। ये चीज है, ये देखिए कि स्टार्टिंग में क्या मैसेज वो लोग कर रहा है, स्टार्टिंग में ये देखिए, एक डॉट बेच के हाई बोल के आ रहा मेरे को। नहीं तो ये नहीं लिखा है कि किस एप्लीकेशन से, मतलब कि हम कॉल कर रहे हैं। हाँ कॉल वे सब नहीं है, किस एप्लीकेशन से बोल के नहीं बोल रहे, लेकिन मेरे को एक स्कोर क्रेडिट की क्या कि दो दो एप्लीकेशन है उसमें से आ रहा। हाँ तो उनके अंदर भी एप्लीकेशन है ना, आपने लोन लेते टाइम अब देखा होंगे कि उनके अंदर भी एप्लीकेशन था, मैं बताऊंगी कहाँ से आ रहा मेरे को। हाँ 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 तो उनके अंदर भी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से पूरा रिमूव हो जाएगा तब होगा, अभी चेक हो रहा है, समझ गए? अभी चेक हो रहा है, वो प्रोसेस में अभी है, टेंशन आप मत लीजिए। एक लिंक कैश, एक क्लाउड वॉलेट है, हाँ, पहले से निकाल दो ना। अच्छा गंदे गंदे वीडियोस भेज रहे हैं, कितना गलीज। ओ तो यही ये जो आपने बोला ये एप्लीकेशन ना, ये एप्लीकेशन स्कोर एनालाइजर नहीं, तो उसके अंदर जो आपने नाम बताया यही एप्लीकेशन ना। हाँ क्लाउड वॉलेट और हाँ 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 लिंक कैश। आपको जान ये क्लाउड हाँ 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 हा? आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, इनके अंदर एप्लीकेशन है, समझ गए? हाँ इसीलिए हमने आपसे पूछा, इसके अंदर एप्लीकेशन है और जो ये एप्लीकेशन आपने बताया इन एप्लीकेशन पर काम हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। नहीं आप ऐसा बोले थे ना, टेंशन लेने का नहीं, आप बोले निकाल देंगे। नहीं हम तो देखिए हम हैकर है, हाँ हाँ मैं फोन करी थी तो वो भी बोल रहा है ये सब क्यों कर रही है तू, पैसा क्यों बेकार कर रही है, कैसे भी पैसा भरने का है तू, भर के छोड़ देना, ये नहीं निकालेंगे नहीं निकाल पाएंगे बोल के बोल रहे थे, मेरे को डाउट आ गया। नहीं तो पैसा आप दे कर देख लीजिए, यदि पैसा दे कर आप देखती हैं तो सोल्यूशन होता है तो देख लीजिए, उसमें भी बुराई नहीं है। पैसा दीजिएगा तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब वो लोग पीछा छोड़ देगा, ये बताइए। तो मेरे पास मेरा वीडियो में आप देखिएगा जो जिससे हम बात करते हैं, लोग एक एक लाख दो दो लाख ज्वेलरी किसी का चला गया, किसी का जमीन बिक गया, इतना तक रिपेमेंट करते हैं तो पीछा छोड़ता ही नहीं है सब। तो रिपेमेंट देखिए, रिपेमेंट करना कोई सोल्यूशन नहीं, आपको बता देना चाहता हूँ, रिपेमेंट करना कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा ये चीज है, तो अभी क्या कीजिए ना, जिस नंबर पे यदि कॉल वो मैसेज कर रहा है उस नंबर का नेट ऑफ कीजिए, ठीक है? हाँ, ब्लॉक कर दे रही हूँ। ब्लॉक करने की क्या जरूरत है, नेट ऑफ कर दीजिए, नेट उसका ऑफ कर दे। डबल डबल टिक लग रहा है और ज्यादा आपको ब्लैकमेल वो कर रहा है, डबल टिक लग रहा है ना तो और ज्यादा आपको ब्लैकमेल कर रहा है, और ज्यादा वो लोग कॉल करने काम कर रहा है। अच्छा तो क्या करो अभी के लिए, उस नंबर पर नेट ऑफ कर दीजिए जब तक पूरा प्रोसेस होता नहीं है। ऐसा कैसे होगा, क्या चीज वो नेट ऑफ करने के लिए? मोबाइल का नेट ऑफ कर दीजिए। हाँ तो नेट ऑफ कर दोगे तो मेरा मेरा जो जॉब का है वो होना चाहिए ना, नेट तो होना है। क्या जॉब, समझे नहीं क्या जॉब? मेरे को काम, मैं काम पे रहती हूँ ना। अच्छा 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 अच्छा, वो मेन नंबर है क्या आपका, वो मेन नंबर है क्या? हाँ,
मेन नंबर है। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए ना इतना प्रॉब्लम हो गया। हाँ, वही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आपका हो जाएगा, टेंशन मत दीजिए, ठीक है आपका हो जाएगा। थोड़ा जल्दी कर दो ना। हाँ हाँ, हम लोग जल्दी ये कर रहे हैं क्योंकि अब बहुत सारे लोगों का मतलब कि मेरे पास आता है ना, साठ सत्तर, आप समझ ही रहे कि मतलब कि कितना काम मेरे ऊपर रहता है ये सब करवाने के लिए। हाँ, मेरे को ये डाउट है, मेरा भी एक है बिहारी वाला फ्रेंड है, तो उसी से बात करी तो ये बोल रहा है तेरे से सब फ्रॉड हो रहा है, तो मेरे को थोड़ा डर हो के मैं फोन करी। ना ना, इसमें आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं, ठीक है, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। हाँ, फ्रॉड करने वाला कभी भी है, मेरे है भोजपुरी वाले दोस्त बहुत है। कहाँ से आता है भोजपुरी? आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, तो मेरे आजू बाजू वाले मेरे मेरे किराएदार वाले सब भोजपुरी वाले है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो उससे मैं जानती हूँ, बेगूसराय में रहते है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, नहीं तो देखिए, जो फ्रॉड, देखिए जिसको फ्रॉड करना होगा तो यूट्यूब पर ये नहीं खोल कर नहीं बोलेगा फेस के साथ कि हाँ भाई आओ। ये भी प्रॉब्लम यही है, क्या करूँ, आपका जो यूट्यूब भी है उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो हम वीडियो में क्या करते हैं, हम वीडियो में खोल कर बोलते हैं कुछ भी। हाँ, जो है हम खोल कर बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन भी आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कमेंट सेक्शन में आप जाकर पढ़ सकती हैं आप। ठीक है ठीक है, थोड़ा जल्दी कर दीजिए ना। ठीक है ठीक है, आपका जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, हम बोलते हैं उनको। ठीक है ठीक है ठीक। तो चलिए दोस्तों, बात विचार यहाँ पर हो गया, इनको बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना। आप लोग समझ सकते होंगे कि मेरे पास कितना कॉल मैसेज सारा चीज आता है, तो सब चीज यहाँ पर देखना पड़ता है भाई, वीडियो बनाना है, लोगों को रिप्लाई भी करना है, बात विचार भी करना है, सारा चीज करना है। यदि आप लोग डाटा रिमूव कराना चाहते हैं तो आपका 100% डाटा रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।